आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 एंड 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 एंड 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन हैं। इन सभी 4 पार्ट्स में हमें इन पेयर्स की हेल्प से चेक करना है कि ये पेयर्स कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। अगर ये पेयर्स कंसिस्टेंट हैं तो उस केस में हमें इन लाइन की इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे भी शो करके दिखाना है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के पार्ट 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों जो लाइन की इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसके लिए हमें इनके कोफिशियंट्स का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू। तो देखिए, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसमें x के साथ का कोफिशियंट है 1, तो a1 के सामने हम 1 लिखेंगे, और सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशियंट है 2, तो a2 के सामने हम लिखेंगे 2। अब इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, y का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट है 2। तो इस तरह से रेशियो ये वाला भी हमें 1/2 मिल गया। अब इसी तरह से कांस्टेंट टर्म्स का भी रेशियो फाइंड करते हैं। तो C1 अपॉन C2 हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है 5 और सेकेंड वाले जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म है 10। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 1 5 एंड 5 2 10, और इसको सॉल्व करने पे ये रेशियो भी हमें 1/2 के इक्वल मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों रेशियोज आ रहे हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये दोनों ही इक्वल हैं c1 अपॉन c2 के। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इसको अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो ये तीनों रेशियो जब इक्वल होते हैं तो लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो रिलेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा। इस चार्ट को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन रिलेशंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि अगर हमारा जो आंसर है वो कंसिस्टेंट आता है, यानी ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट रिलेशन शो करती हैं, तो इसको हमें ग्राफ पेपर पे भी शो करके दिखाना है। बट ग्राफ पेपर पे इन दोनों इक्वेशन को शो करने के लिए हमें सबसे पहले इनके दो दो सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, जिनको हम इन दोनों टेबल में लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले x के प्लेस पे हम 0 पुट करके देखते हैं। तो x के प्लेस पे 0 पुट करने पर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी, और y की वैल्यू सॉल्व करके हमें मिल जाएगी ओनली 5। तो देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन हमें मिला है x इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू मिली है 5। तो हम इस टेबल में इन दोनों की वैल्यू को फिल कर देते हैं, x के सामने 0 और y के सामने हम लिखेंगे 5। अब इसी तरह से अगर हम y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो हमें x की भी एक वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, हमें मिलेगा x प्लस 0 इक्वल टू 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ जाएगी। तो y के प्लेस पर हमने रखा था 0, तो y के सामने हम 0 लिखेंगे, x की वैल्यू हमें मिल गई 5, तो x के सामने हम लिख देते हैं 5। अब इसी तरह से ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसके भी हम दो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए, इस इक्वेशन में भी सबसे पहले हम x के प्लेस पे 0 पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2 × 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, और 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिलेगा, प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 10 के, और इसे सॉल्व करने पर 2y हमें 10 मिल जाएगा, और इसे सॉल्व करने पे y हो जाएगा 10/2 के इक्वल, क्योंकि 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो y हमें मिल जाएगा इससे 5। तो इट मीन्स y की वैल्यू हमें 5 मिली है जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी।
अब इस इक्वेशन में हम y के प्लेस पर 0 पुट करके देखते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x हमें मिलेगा 10 के इक्वल, क्योंकि 2 और 0 की मल्टीप्लाई करके तो 0 ही मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने पे x की वैल्यू हमें मिलेगी 10 अपॉन 2, और जब हम इसे कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इट मीन्स x की वैल्यू हमें मिली है 5। तो x के सामने हम 5 रखेंगे और हमने y के प्लेस पे पुट किया था 0, तो 0 रखेंगे हम y के सामने। तो चलिए अब जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं दोनों टेबल्स में, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें पहला सॉल्यूशन मिला है वो है 0.5। इट मीन्स ये जो x एक्सिस है इस पे पॉइंट हमें देखना है 0, और y एक्सिस पे हमें चेक करना है 5। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमें कुछ इस जगह मिलेगा, तो हम इसके सामने लिख देते हैं 0.5। अब इसी तरह से ये जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है 5.0, इसको भी हम ग्राफ पे शो करते हैं। तो देखिए x एक्सिस पे हमें चेक करना होगा 5 और y एक्सिस पे हमें चेक करना होगा 0। तो 0 होता है इस जगह ओरिजिन पर। इट मीन्स ये जो 5.0 है ये हमें मिलेगा इस वाले पॉइंट पर, तो इसके सामने हम लिखते हैं 5.0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें कुछ इस तरह से एक लाइन मिल जाएगी। इस लाइन के सामने हम इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसी तरह से ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसकी टेबल में जो हमें सॉल्यूशन मिले उसको भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.5। इट मीन्स x एक्सिस पर हमें चेक करना है 0, 0 यहाँ पर कहीं आता है, और y एक्सिस पे हमें चेक करना है 5 जो कि इस पॉइंट पर आएगा। तो इट मीन्स 0.5 हमें इस वाले पॉइंट पर मिलेगा, तो इसके सामने भी हम लिख देते हैं 0.5। और इसी तरह से ये जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है इसको भी हम ग्राफ पे शो कर देते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमें चेक करना होगा 5 और वाई एक्सिस पर हमें चेक करना होगा 0, यानी कि वो ओरिजिन पे लाई करेगा। इट मीन्स 5.0 जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर मिलेगा, तो इसके सामने हम लिख देते हैं 5.0। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन और सेकंड वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम सेकंड वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमें फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर ही दिखेगी, जो कि आपको ब्लू कलर से शो हो रही होगी। सो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन्स हैं ये कोइंसिडेंट लाइन है, और जब भी लाइन कोइंसिडेंट होती है तो वहां पे जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट का ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट टू डिस्कस करते हैं। पार्ट टू में भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस सी वाई इक्वल टू 16। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन में कोफिशियंट्स के रेशियो फाइंड करते हैं। सो a1 अपॉन a2 हमें मिल जाएगा 1/3 के इक्वल, क्योंकि जो x के कोफिशियंट है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में वो 1 और 3 हैं। इसी तरह से अगर हम b1/b2 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1 और माइनस का 3, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कोफिशियंट है माइनस का 1 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट है माइनस 3। सॉल्व करने पर b1/b2 हमें मिल गया 1/3। अब इसी तरह से हम c1/c2 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 8 है कांस्टेंट टर्म और सेकंड इक्वेशन में 16 है, तो हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं 8/16। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 1 8 और 8 2 होता है 16। इट मीन्स जो रेशियो है वो हमें मिल गया 1/2 के इक्वल। अगर हम इन तीनों रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का रिलेशन मिल रहा है। इट मीन्स a1/a2 इक्वल दिख रहा है हमें b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। और अगर हम इस रिलेशन को इस चार्ट में देखेंगे तो हमें ये तीसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा। इट मीन्स जो लाइंस हमें गिवन है वो आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में तो उनका जो रिलेशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, इसीलिए जो इक्वेशंस का हमें पेयर गिवन है उनमें रिलेशन इनकंसिस्टेंट होगा। अब क्योंकि लाइंस का जो पेयर है उसमें हमें रिलेशन इनकंसिस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब हमें इन इक्वेशंस का ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमें ग्राफ सिर्फ उन इक्वेशंस का बनाना है जिनका रिलेशन कंसिस्टेंट हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।